भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान विभाग द्वारा वैशाली नगर कॉलेज के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र में सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसके मद्देनजर फैले कचरे को सोमवार को एकत्र करने विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान द्वारा वैशाली नगर कॉलेज के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में सहभागिता देने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे मुख्य रूप से उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परिसर की सफाई की। राकेश पांडे को अपने बीच पाकर नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया और वेतन भुगतान में हो रहे विलम्ब, ESI जैसी समस्याओं की जानकारियाँ दीं। भाजपा नेता राकेश पांडे ने कर्मचारियों की बातों को ध्यान से सुनकर समस्याओं के निराकरण को लेकर पहल करने की बातें कहीं। स्वच्छता अभियान की जानकारी भाजपा नेता राकेश पांडे और विभाग के जिला संयोजक विनोद देवांगन ने दी। देखिए, जब कोई भी आयोजन होता है, कल यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, उसके साथ में भोजन की व्यवस्था भी थी, क्योंकि लोगों का आना काफ़ी देर तक के यहाँ पर चूँकि रुकना था, तो इसलिए नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी थी। उसके बाद में चूँकि काफ़ी जनसंख्या में वार्डवासी यहाँ पर आए थे, तो निसंदेह उस स्थल पे कचड़े आदि काफ़ी हो गया था। मेरा ये कहना है कि कोई भी जब आयोजन हो तो आयोजन के बाद में उस स्थल को गंदगी करके छोड़ दिया जाता है, तो ये भी एक संदेश है कि आप यदि कोई आयोजन करते हैं तो दूसरे दिन भी कम से कम साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी से लेकर के हमारे आम नागरिक तक यहाँ पर आ जाएं और साफ सफाई किया सबने मिलकर के। यही संदेश है कि आप आयोजन के बाद भी कम से कम साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। 22 अगस्त तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन था माननीय सरोज पांडे सांसद निधि के द्वारा, जिसमें एम्स के डायरेक्टर श्री नागरकर साहब, भिलाई स्टील प्लांट के हिस्सा साहब और स्पर्श हॉस्पिटल के तत्वाधान में मिलकर ये कार्यक्रम शासकीय इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर कॉलेज में ये कार्यक्रम किया गया। चूँकि हम लोग यह कॉलेज को शासकीय प्रांगण है जिस प्रकार से लिए थे, उसी प्रकार वापस करना भी चाहते थे, इस पर्पज़ से हम लोग यहाँ की कल लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर शासकीय भवन को जैसा लिए थे वैसा ही स्वच्छता बना के इस प्रांगण को फिर दिए हैं, स्वच्छता का एक अभियान चलाए हैं। और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसी प्रकार स्वच्छता का अभियान अपने जीवन में चलाए रखे और हमेशा इसी भाव को लेके हम लोग स्वच्छता अभियान का जिला संयोजक होने के नाते में ये कार्यक्रम छोटा सा रखा गया। गौरतलब है कि रविवार को लगे स्वास्थ्य शिविर के दौरान फैले कचरे के मद्देनजर स्वच्छता अभियान चलाया गया। परिसर के अंदर और बाहर फैले कचरे को एकत्र कर डस्टबिन में डालकर परिसर की झाड़ू से सफाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।